आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। एसडीएम ज्ञानपुर दीवानी वाद को दिखा रहे ठेंगा, अधूरी जानकारी के साथ विवाद को बढ़ाने में अहम भूमिका। बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत ग्राम सभा दशरथपुर पोस्ट बयाव से है, जहां एक जमीन जिस पर दीवानी वाद दाखिल है एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी पांडे की लापरवाही से सुर्खियों में बनी हुई है। आइए जरा इस मामले में विस्तार से जानते हैं। मामला यह है कि सन 1982 से उक्त गांव निवासी हरिहरनाथ तिवारी और लालमणि पांडे के बीच आबादी की जमीन 185 नंबर जो कि 2 विश्वास 6.5 दूर है पर दीवानी वाद दाखिल है। ऐसे में नियमानुसार यदि जनपद प्रशासन द्वारा उक्त जमीन पर किसी भी तरह का भौतिक परिवर्तन किया जाता है तो इसकी जानकारी न्यायालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एसडीएम ज्ञानपुर ने उक्त जमीन पर खड़े 4 शीशम के मोटे पेड़ को बिना न्यायालय को सूचित किए कटवा दिया। आकाशभूमि राष्ट्रीय समाचार पत्र की टीम द्वारा पूछे जाने पर एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी पांडे ने बताया कि पेड़ सूख गए थे और उनसे लोगों को छत थी, तो वन विभाग से परमिशन लेकर उसे कटवा दिया गया। एक और हैरानी वाली बात आपको बताते हैं, जब इस संबंध में भदोही डीएफओ नीरज आर्य से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी पांडे द्वारा उक्त जमीन से लकड़ी काटने के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन उसमें उक्त जमीन पर मुकदमा होने की किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि पेड़ काट तो दिए गए थे, लेकिन लकड़ी उठाने पर रोक लगाई गई थी, जबकि राजनीतिक दबाव में पुलिस की मिलीभगत से लकड़ी उक्त जमीन से रातों रात उठवा ली गई। ऐसे में सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी पांडे तथ्यों को छिपाकर अनावश्यक रूप से दोनों पक्षों के बीच विवाद को जन्म दे रहे हैं। आकाशभूमि समाचार पत्र की टीम द्वारा जब इस मामले की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि संबंधित मामले में अनावश्यक रूप से सफेदपोश अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से दीवानी जैसे मामले में बगैर सोचे समझे एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी पांडे अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार उक्त जमीन पर किसी भी तरह के भौतिक परिवर्तन के लिए कोर्ट से परमिशन होनी चाहिए या इसके बारे में कोर्ट को अवगत कराना चाहिए। संबंधित मामले में द्वितीय पक्ष लालमणि पांडे के भाई स्वर्गीय गुलाबधर के बेटे दुर्गेश और उमेश द्वारा पैरवी की जा रही है। रातों रात विवादित स्थल से लकड़ी उठवा ली गई। प्रथम पक्ष हरिहरनाथ तिवारी के नाती जितेंद्र तिवारी ने बताया कि इस मामले में सफेदपोश इस तरह से अनावश्यक दबाव बना रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किसके पास जाऊं। हालत यह है कि रोजी रोटी छोड़कर मैं केवल ऑफिसों का चक्कर लगा रहा हूं। हैरानी की बात तो यह है कि कई आला अधिकारी सफेदपोशों के दबाव में न्याय तो दूर की बात रही, मुझे ऑफिसों से भगा देते हैं। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि मैं प्रशासन से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि क्या जिसके पास सफेदपोशों की पैरवी ना हो उसे न्याय नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का न्याय तो निष्पक्ष होता है, फिर पार्टी का नाम लेकर कुछ राजनेता आखिर पार्टी को बदनाम करने में क्यों लगे हैं। हालांकि आकाशभूमि न्यूज संबंधित मामले में किसी भी राजनीतिक दबाव की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से मामले में लीपापोती हो रही है उसमें इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जितेंद्र तिवारी ने बताया कि 20 सितंबर को जब पेड़ काटा जा रहा था तो संबंधित मामले की सूचना थाने पर दी गई, पेड़ की कटाई रोक दी गई। इसके बाद 22 सितंबर को डीएम और एसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया। मामले में संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर से आख्या मांगी। 6 अक्टूबर को अपर जिलाधिकारी ने आदेशित किया कि एसडीएम और वनाधिकारी मौके पर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 8 अक्टूबर को एसडीएम से मिलने गए तो विपक्षी गण के सपोर्ट में आए नेताओं से एसडीएम साहब बात कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने भगा दिया। उसके बाद जितेंद्र तिवारी ने कहा कि वह एसडीएम कार्यालय और वन विभाग का बारी बारी से चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। 8 से 10 अक्टूबर के बीच 4 शीशम के मोटे पेड़ काट दिए गए। 10 अक्टूबर को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया। एडीएम के आदेश पर कटाई रोक दी गई, लेकिन उसी दिन ऊंच थाने पर तैनात एसआई रमाकांत द्वारा राजनीतिक दबाव में जबरदस्ती पेड़ों को कटवा दिया गया। 13 अक्टूबर को नोटिस देकर एसडीएम की अध्यक्षता में डीएफओ और दोनों विवादित पक्ष को बातचीत के लिए बुलाया गया और कहा गया कि काटे हुए पेड़ों की लकड़ी को दोनों पक्षों में से किसी को नहीं दिया जाएगा बल्कि वन विभाग की देखरेख में रखा जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने कहा कि मामले में राजनीतिक दबाव आ रहा है। इसके बाद 7 नवंबर को विपक्षी गण दुर्गेश और उमेश द्वारा रात में चुपके से लकड़ी विवादित स्थल से उठवा ली गई। सवाल यह उठता है कि आखिर अधिकारी अपनी मनमानी से कब बाज आएंगे, और सवाल यह भी उठता है कि क्या एसडीएम ज्ञानपुर न्यायालय से बढ़कर हैं? अगर नहीं तो देखना यह होगा कि लापरवाह एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी पांडे के खिलाफ जनपद प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई करता है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हमारा नाम जितेन कुमार तिवारी है, सन आप कमल चंद तिवारी, हम दशरथपुर पोस्ट बयाव के रहने वाले हैं, थाना ऊंच के अंतर्गत जनपद भदोही। हमारा दीवानी चल रही थी सन 1982 से, जिसमें 4 पेड़ शीशम का था, हरा भरा था।
जो कि 4 से 5 लाख की संपत्ति थी, उसे ज्ञानपुर के SDM अश्वनी पांडे जबरदस्ती अपने प्रभाव पावर का नाजायज फायदा उठाते हुए पार्टी के प्रभाव में आकर के हर उनसे अपना लेन देन करके हर जबरदस्ती हमारे 4 पेड़ शीशम को हर कटवा दिए। और उसके बाद में 22 तारीख को जब ADM माननीय श्री शैलेंद्र मिश्रा द्वारा रोका गया था जो, और उसके बाद हमको बुलवाए 22 तारीख को और वहाँ पर उसको लकड़ी को रुकवाए मौखिक पर अगले पार्टी से भी, उसको अभी तक नहीं रुकना चाहिए जाना चाहिए जब तक कोई निर्णय नहीं आ जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से हमारा 4 से 5 लाख की शीशम 7 तारीख को हर रात में हर विपक्षी दुर्गेश उमेश रमेश संदेश और राजन श्यामधर पांडे द्वारा जबरदस्ती चोरी से उठा कर लेकर चले गए। उसके बाद में जब हमने दरखास्त देने को गया SDM साहब के ऑफिस में, तो हमें वहाँ से हर बेइज्जत करके ऑफिस से निकलवा दिए कि चलो तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा है, तुम्हारा तो पैरवी DM साहब कर रहे हैं, DM साहब को जाओ आदेश ले आओ, उन्हीं के पास जाओ, उन्होंने उनका कहना है कि न्यायालय के खिलाफ वो सब काम कर रहे हैं, न्यायालय के आदेश को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि तुम न्यायालय से लड़ते रहो, हमको जो करना हम करते रहेंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।